स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है वो अपनी लाइफ को इमेजिन करना जो है वो इम्पॉसिबल है फॉर अस। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन आती है, चाहे वो हम स्टेट बोर्ड की बात करें या CBSE में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हमारे पास हो गया फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में आपको आगे फार्मूले जो है वो इजी रहेगा देखने के लिए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर है, और इसका जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं करंट की तो वो आता है एम्पियर। हमारे पास एसआई यूनिट इज एम्पियर, क्यू मीन्स हमारे पास क्या हो गया चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास। और चार्ज का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या कोई हमारे पास डिवाइस है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक सर्किट में, तो हम कहते हैं यस इट इज एमीटर। वो हमारे पास एमीटर एक डिवाइस है जिसको हम इस तरीके से सर्किट्स में लिखा जाता है प्लस माइनस लगाकर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस जो है एमीटर है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हमेशा से किस में कनेक्ट किया जाता है हमारे पास, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में कनेक्ट करने का इसका ये हमारे पास फायदा रहता है कि ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। जब ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो दैट मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा करंट को क्या करता है, पास ऑन करता है। जब ये ज्यादा करंट पास करेगा तो करंट को ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट, हाउ इट इज डिनोटेड, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, एंड व्हाट इज द डिवाइस इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट। नेक्स्ट वी हैव वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारे पास आता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मेजर करने के लिए हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जब मैं बात करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी पॉइंट से चार्ज को अगर हमने एक पॉइंट के ऊपर लाना है, पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमारे पास कितना काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डोनेट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, यूनिट टाइम में कितना वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को हमारे पास मूव करने के लिए। इसके जब मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूँ तो इसका ऐसा यूनिट मेरे पास आ जाता है वोल्ट के बराबर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज को हमने लाना है, कितना काम उसके लिए किया जाएगा, और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है मेरे पास वोल्ट मीटर। और जब मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूँ तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको हमेशा सर्किट में कोई भी सर्किट होगा उसमें पैरेलल के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, तो जब ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये ज्यादा से ज्यादा करंट को जो है पास करने में रुकावट पैदा करेगा, और ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की करेगा कि कितना हमारे पास उस चीज का है। तो ये हमारे पास है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट था हमारे पास फिजिसिस्ट सर जॉन साइमन ओम, जिसने इस ओम्स लॉ के बारे में बताया। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल क्या है, तो जब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बताता है कि करंट और पोटेंशियल जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उनसे क्या रिजल्ट हमारे पास बनेगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है हमारे पास, तो ये ओम्स लॉ जो है ये हमारे पास रिलेशनशिप देता है, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हमारे पास जो रिलेशनशिप देता है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ये कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा करंट भी हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, जैसे जैसे एक पॉइंट से हम चार्ज को लाना पड़ेगा तो उसमें हमारे पास चार्ज बढ़ने के साथ साथ करंट के ऊपर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा उसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ वो बढ़ती जाएगी। तो V इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है आर आई, वेयर आर हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। तो यहां से हमारे पास दो चार फार्मूले और निकलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये एक मेन फार्मूला है V इक्वल्स टू आर आई,
जो हम फर्दर कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे आर निकालना है तो वो बनेगा वी अपॉन आई, आई निकालना है तो वो मेरे पास बनेगा वी अपॉन आर के बराबर। तो ये दो तीन फार्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आगे हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं। इसी के साथ अगर हम स्टार्ट कर दें यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन होंगे। इस तरीके से एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर, आपस में हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइनिंग है तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, की आ गई, कोई लगा दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव करके इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास एमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो दिस इज R1, R2 एंड R3 हमारे पास। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टमीटर वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इस तरीके से ये लगा दिया, जब यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट से, पॉजिटिव से जाएगी उसकी तरफ मिलती है। यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है क्योंकि ये एक ही करंट में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो एंड टू एंड ज्वाइन है तो सभी में एक जैसी करंट जो है वो फ्लो करेगी। इसके पास भी उतनी करंट है, इसके पास भी उतनी करंट है, इसके पास भी, लेकिन यहाँ से यहाँ चार्ज को मूव करने के लिए अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3 हमारे पास, क्लियर है। अब हम बात करें तो अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर टोटल रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ से हम बात करें तो R हमारे पास किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू V अपॉन I। सो इसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस R1 है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ पोटेंशियल टोटल जो है वो हमारे पास किसके बराबर बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। टोटल पोटेंशियल जो है तीनों का बन जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि है तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर रहा है उनको तीनों को। तो यहाँ से ओम्स लॉ से V हमारे पास है RI के बराबर, और V1 किसके बराबर होगा, R1I प्लस R2I प्लस R3I के बराबर हमारे पास। क्यों, क्योंकि करंट सेम रह रही है, सिर्फ हमारे पास क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, करंट सेम। तो यहाँ से RI इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। I और I कैंसिल हो गए, दैट मीन्स R रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम बात करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, तीनों के बराबर इक्वल आ जाता है। इसीलिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट में है, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी।